डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अनुप कुमार राय फ्रॉम रॉयल डिफेंस एकेडमी। आज हम आपको औसत का भाग थर्ड के बारे में पढ़ाएंगे। भाग टू जो था वो आपके एक टाइप का एक ही प्रकार की जो फॉर्मूला है, यानी कि संख्याओं के बारे में मैंने बताया था, और उसी का जो सिलसिला है अभी भी भाग थर्ड में है। तो मैं उम्मीद करूँगा आप भाग टू को भी देखना, और भाग थ्री में हम सीधा सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखिए, प्रश्न नंबर वन में है, पहला नौ मौलिक संख्या का औसत ज्ञात करो। पहला नौ मौलिक संख्या, मौलिक संख्या का औसत, पहला नौ मौलिक संख्या का औसत ज्ञात करो। तो पहला नौ मौलिक संख्या का मतलब ये मौलिक संख्या जो है प्राइम नंबर को कहते हैं। प्राइम नंबर होता है अभाज्य विभाज्य संख्या, जिसके साथ भाग नहीं हो जाता। जैसे दो से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, दो से, दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह, नेक्स्ट आता है सत्रह उन्नीस तेईस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये नौ मौलिक संख्या दिया है। तो नौ मौलिक संख्या को हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ये सभी संख्या को हम जोड़ेंगे। इसको जोड़ने के बाद नौ से डिवाइडेड करेंगे तब इसका औसत आएगा। औसत मतलब ये इसका औसत आएंगे। तो हम अगर इसको देखेंगे तो इसको आएंगे 100/9, यानी कि 11.91 ये इसके आंसर होगा। ये औसत लिख दिया, औसत इन द एवरेज, इसके एवरेज है, एवरेज को ऐसे देखा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार पांच सम संख्याओं का योग। क्वेश्चन नंबर टू, लगातार पांच सम संख्या, सम संख्या का औसत, लगातार पांच सम संख्याओं का औसत दस है तो, दस हो तो इनकी बीच की संख्या क्या है, इनकी बीच का संख्या क्या है। ये सीरीज में आता है सम संख्या, तो इसमें बीच वाला संख्या जो दस है इसके औसत है। ये अगला संख्या पांच सम संख्या, सम संख्या मतलब होता है इवेन नंबर, यानी कि जोड़ संख्या, दस है बारह है चौदह है, और इधर से आठ है और ये छह है, तो ये दो तीन चार पांच, तो बीच वाला संख्या दस ही होगा। बीच वाला संख्या ये बीच का संख्या है, बीच का संख्या है। क्वेश्चन है पांच सम संख्या में और जो इवेन नंबर है उसका औसत क्या है, उसका औसत क्या है, दस है बीच का संख्या। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, लगातार सात विषम संख्या, लगातार सात विषम संख्या संख्याओं का औसत, लगातार सात विषम संख्या का औसत 117 है, 117 है, तो क्या है, पहला चार संख्या का औसत ज्ञात करो। पहला चार संख्याओं का औसत, औसत ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है, सात विषम संख्या का औसत 117 है। अगर इसका विषम संख्या है तो 117 है, इसकी विषम संख्या कितना, सात है, सात है, तो अगला विषम संख्या क्या है, 119 है, अगला विषम संख्या 121 है, और फिर क्या है, 123 है, इधर तीन है, इधर भी तीन लेंगे, 115 है, फिर विषम संख्या 113 है, और फिर इधर है 111 है,
ये बीज वाला संख्या इसका औसत है। अगर ये औसत है, ये सीरीज में है, तो अगर विषम संख्या हमेशा क्या है, बीज वाला हो गया, तो विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब बीजोड़ संख्या, बीजोड़ संख्या है ये। इनकी औसत में क्या बोला है, पहला चार संख्या का औसत ज्ञात करो। तो हमने क्या करना, जो पहला चार संख्या यहाँ से आता है, ये चार संख्या का हम औसत ज्ञात करेंगे। तो यानी कि 111 प्लस 113 प्लस 115 प्लस 117 इसको हम करके चार से भाग करेंगे, ये इसकी औसत होगा। इसकी कैलकुलेशन की सुविधा के लिए हम 100 को अगर बाहर सिर्फ 11 13 15 17 जोड़ के चार से भाग देने से भी होगा, लेकिन फिर भी हम आपको क्लियर करते हैं। ये 100 कॉमन ले लिया, उसके बाद प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 बाय 4 इसको हम लिख सकते हैं, इधर से लिख देते हैं 100 प्लस ये हो गया 56 बाय 4 ये इसको काटेंगे तो 14 होता है। तो यानी कि 100 प्लस 14 यानी कि 114 होगा, इसके आंसर होगा 114। पहला चार संख्याओं का औसत ज्ञात करो, औसत पूछा है तो औसत क्या होगा, 114 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लगातार चार विषम संख्या का औसत 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार चार विषम संख्या का औसत 12 है, तो क्या है, सबसे छोटा संख्या कौन सा है, सबसे छोटा संख्या कौन सा है। क्वेश्चन देखो, ये क्या दिया है, विषम संख्या, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, बीजोड़ संख्या, बीजोड़ संख्या का औसत क्या है, 12 है। अभी 12 बीजोड़ संख्या का औसत तभी होगा, 12 बीजोड़ संख्या का तभी हो सकता है, यहाँ एक बीजोड़ संख्या होना चाहिए 13 और इधर एक होना चाहिए 11, तभी इसकी दोनों को जोड़ के तो 12 संख्या आएगा। तो कितना बोला, 4। तो अगला संख्या क्या है, विषम संख्या, अगला संख्या है 15 और इधर का अगला संख्या विषम संख्या है 9। तो अभी लगातार चार विषम संख्या का औसत 12 है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, विषम संख्या का औसत कितना है, 12 है। तो यहाँ क्या पूछा, सबसे छोटा संख्या ज्ञात करो, तो सबसे छोटा संख्या क्या है, 9 है। सबसे छोटा संख्या क्या है, नाइन है। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार पांच संख्याओं का औसत 5 संख्याओं का औसत कितना है, 9 है। तो 9 है तो पहला और अंतिम संख्या का गुना कितना होगा, पहला और अंतिम संख्याओं का गुना कितना है। लगातार संख्या, ना तो विषम संख्या है, ना सम संख्या है, कुछ ही नहीं है, बोला पांच संख्या है, लगातार पांच संख्या का औसत कितना, 9 है। अगर ये 9 है तो इसकी लगातार संख्या क्या है, ये 8 है, ये 7 है, ये क्या है, 10 है, और ये क्या है, 11 है। तो लगातार पांच संख्या का औसत कितना है, 9 है। ओके, तो अभी इसका पहला संख्या और अंतिम संख्या का गुना, पहला संख्या क्या है, 7 है, और अंतिम संख्या क्या है, 9 है, अंतिम संख्या 11 है। पहला संख्या 7 है, अंतिम संख्या 11 है, तो ये दोनों का गुना कितना होगा, 77 होगा। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन, देखते रहिए, अच्छा लगेगा।
अगला क्वेश्चन है, दो संख्या का औसत ए 100 है। दो संख्या का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का औसत 100 है। अगर पहला संख्या 100 है तो अगला संख्या क्या है? अगर पहला संख्या 100 है तो दूसरा संख्या क्या होगा? सौ। दूसरा संख्या क्या है? दो संख्या का औसत 100 है, मतलब संख्या क्या है? तो संख्या का योग, संख्याओं का योग यानी कि समष्टि, मतलब इकट्ठा है, क्योंकि 2 × 100 यानी कि 2 XY। तो ये संख्या मिल गया। अभी पहला संख्या क्या है? 100 है। तो दूसरा संख्या क्या होगा? दूसरा संख्या इक्वल टू 2XY - X, ये है दूसरा संख्या। ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाले समय में हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, आपको अच्छे से अच्छे और सवाल सिखाएंगे और आपको वीडियो भी दिखाएंगे। थैंक यू।